सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम करांची पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गेट टुगेदर यहाँ पर हमारा अरेंज हुआ हुआ है, मेरे कजन का गेट टुगेदर अरेंज किया है, तो उसका ब्लॉग मैं बनाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब आपको सबसे पहले आप जैसे जैसे सब आ जाएंगे तो फिर मैं मिलवाऊँगी आपको। सो व्यूअर्स, ये लॉन्च में सब बैठे हुए हैं। मेरी कज़न बैठी हुई हैं, ये बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये पप्पी बैठी हुई हैं, वहाँ पर सारे बहन भतीजिए हैं, भाभी हैं, भाई हैं, और हुरिया रज भी बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, पापा मम्मा सब लॉन्च में बैठे हुए हैं, सबका इंतज़ार कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारा गेट टुगेदर स्टार्ट हो गया है। तकरीबन सब लोग आ गए, थोड़े लोग बाकी रह गए। पापा दो लफ बोलेंगे अपने प्यारे से, प्यारे से भाइयों के लिए, अर्शद के लिए, अमजद के लिए और इमरान के लिए। और काम नींद, वो थैंक यू बेटा। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं। बिल्कुल अर्शद हो, आप हो, अमजद हो, ये फैसल हो। इधर मामू बात कर रहे हैं ना यार। तू है मैंने के बेटे, बहन के बेटे, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अजीज है, अरे मेरे सारे बच्चे मेरे दिल से ज्यादा अजीज है, मैं सबसे प्यार और मोहब्बत करती हूँ। नहीं अब बस इनको दो, इमरान भाई को दो, इमरान भाई को दो। पैदल आप कहाँ हैं? है ना, आप हैं ना? हाँ। सो व्यूअर्स, यहाँ पे गाने स्टार्ट हो गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ड्यू टू कॉपीराइट मैं ये सॉन्ग्स नहीं चला सकती, इस वजह से मैंने इसको म्यूट करके थोड़ा सा दिखा दिया। बाकी हमने बहुत मज़ा किया सॉन्ग्स पे और गाने भी गाए।
डांस भी हुआ, डांस का भी थोड़ा सा मैं दे दूँगी, लेकिन सॉन्ग्स नहीं चला सकती, तो आप लोग ऐसे ही इंजॉय करें इसको। सो यहाँ पर सारे वीडियोस बना रहे हैं और डांस स्टार्ट हुआ हुआ है। ये हैं अमजद भाई, इनके बेटे की इंगेजमेंट थी, गेट टुगेदर भी था और इंगेजमेंट, दूसरे दिन इंगेजमेंट थी जिसमें सब आए हुए हैं। मेरे कज़न का बेटा है और जो अभी ये गए हैं ये मेरी पप्पी के बेटे हैं, ये फैसल भाई हैं, ये दूसरी पप्पी के बेटे हैं। खूब एंजॉय हो रहा है, हमने तो बहुत इन्जॉय किया, पर क्या करूँ, ये सॉन्ग्स चल रहे हैं तो मैं कॉपीराइट्स की वजह से सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स ये है मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, इस पीछे हमारे भतीजे की वाइफ बैठी है, इनकी भी अभी न्यू न्यू शादी हुई है, मेरे कज़न्स वगैरह बैठी हुई हैं। मैं पप्पा के लिए क्या कहूँ, नहीं नहीं पप्पा ये क्या हर चीज सारी चाहूँगा कि ये इनकी लाइफ, ये सारी चीज़ें सबको संभाल के चलेगी हर चीज़ को। हम बहुत सारी चीज़ें हमको फॉलो नहीं करता है, फॉलो करना चाहिए, सही का काम ही है बेटा। ठीक है, इमरान चाचा, इमरान चाचा तो अच्छा है, वो है सोना है, ये तो सोना है, सोना चांदी, सोना चांदी। नहीं नहीं हमारे सारे चाचा सब बहुत अच्छे हैं, हिल रहा है पूरा मोबाइल मेरा। आई लव माय चाचा, मेरी शादी में इन्होंने सबसे ज्यादा ऑरेंज जमाई, इन्हें सबसे ज्यादा ऑरेंज जमाई की शादी में, सबकी शादी को एंजॉय करा है। सो व्यूअर्स यहाँ पर जो सोफे पर बैठे हुए मेहमान हैं, खुसूसी नोमान, इनकी इंगेजमेंट है मेरे कज़न के बेटे की, तो वो आ गए हैं और सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। सो व्यूअर्स यहाँ पे मेरे कज़न वो कॉन्गो, मतलब कॉन्गो बजा रहे हैं और सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं और सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तालियां वगैरह बज रही हैं और हुरिया वगैरह, सारे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ये इवेंट रहा हमारा गेट टुगेदर का, और बहुत मज़ा आया इसके अंदर। हैदराबाद में भी हमें बहुत मज़ा आया था, हैदराबाद में भी गेट टुगेदर हमारा हुआ था, उस टाइम मेरा चैनल नहीं बनाया था, तो कोशिश करती हूँ कि उस वाले इवेंट की भी मैं एक क्लिप डाल दूँगी। सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया और हुरिया वगैरह ने भी बहुत एंजॉय किया। ऐसे ही इवेंट में बहुत मज़ा आता है, सब एंजॉय करते हैं, साल में एक बार सब जमा हो जाते हैं तो सब एक दूसरे से बात वगैरह कर लेते हैं, मिल लेते हैं। सो व्यूअर्स ये हमारा पार्टी विद कज़न्स का केक आ गया है, पिछले साल भी हमने केक कटिंग करी थी, ईयरली हम लोग केक कट करते हैं और गेट टुगेदर जब होता है, और सॉन्ग्स की वजह से वही मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। आज हमारी
सिराज भाई चलो भैया चलो भाई चलो भाई शोर इतना हो रहा है, ये हमारी प्यारी प्यारी भाभियाँ हैं। मोमानी एक बड़ा है मोमानी अफरो खाला चलो भाई इसमें चौथा कोना नहीं है चलो ना कैरी ऑन चलो भाई बहुत मुबारक अरे मामू को मानी से कटवा दो ना पप्पी पप्पी की पप्पी तो हमें अपने बंदे की देनी है चलो चलो अच्छा एक मामू मोमानी के साथ अल्लाह जी एक दिन फूस पैदा करे और सबको केक अब सबको केक और इससे पहले इसका कचूमर निकली कचूमर तो बन चुका था अर्शद को तो बुलाओ अर्शद की नियत खराब हो रही है आखिरी इमरान में आ जा आ जा ना छुरी तो छुरी छुरी खा रहे छुरी भाई क्लैपिंग तो करो केक भी लगे खाने के बाद अल्लाह ताला
सो व्यूअर्स, यहाँ पे डांस शुरू हो गया था दोबारा। बॉयज़ ने बहुत अच्छा डांस किया, सबने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम बाद इन्जॉयमेंट हुआ है ये, इसमें बहुत मज़ा आ रहा था डांस वगैरह पर। क्या करें, म्यूज़िक के साथ आपको हम शेयर नहीं कर सकते, तो आप लोग ऐसे ही इन्जॉय कीजिए इसको। सबकी मसरूफियात के बाद लोग इस तरीके से साल में गेट टुगेदर हम लोग अरेंज कर रहे हैं 2 साल से, पिछले साल भी और इस साल भी। तो काफ़ी मसरूफियात के बाद एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने सिर्फ फिंगर्स में मेहंदी लगवाई, बाकी दूसरे हैंड में मैं मेहंदी लगवा ही नहीं सकी। आमद बहुत तंग कर रहा था, तो बस एक ही हाथ में मैंने मेहंदी लगवाई, फिर बच्चों ने लगवाई, अम्मी ने लगवाई। तो मेहंदी का भी मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना के और डाल देते हैं इस व्लॉग में। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। पीछे से भाई की अनाउंसमेंट हो रही है कि सब खाने के लिए बैठ जाएं। व्यूअर्स, गेट टुगेदर का व्लॉग सिर्फ इतना ही यहाँ तक था, फिर उसके बाद रात भर हम लोगों ने बाद हमने बहुत इन्जॉय किया। मैंने कहा था कि मैं पुरानी गेट टुगेदर की वीडियो भी इंक्लूड करूँगी, तो ये हमारा पिछले साल का गेट टुगेदर है। प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।